जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूँ राखी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल LACT राखी रसोई में। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ देसी घी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से और बिना हाथ से छुए बनाइएगा आप सभी मेरे तरीके से, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से। आप सभी फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देसी शुद्ध घी एकदम दानेदार, देखिए फुल डब्बा जो है मलाई का भर गया है। अब एक मैं बड़े से बर्तन में से खाली कर लूँगी। घी बनाने के लिए हमेशा एक बड़ा सा बर्तन इस्तेमाल करें। उसके बाद डाल दिया है मैंने पतीले में सारे मलाई। डालने के बाद इस तरीके का मैं, देखिए रहीब हम लोग बोलते हैं, इससे जो है साग को हम लोग फेंटते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से साग इसमें फेंटता है, उसी से आज मैं घी बनाकर दिखाऊंगी। सिर्फ 5 से 7 मिनट में जो है आप घी बनाकर तैयार कर सकते हैं एकदम दानेदार। देखिए फेंटते फेंटते ना ये थोड़ा सा लूज होता है, ये देखिए इस टाइप से जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अभी इसी तरीके से फेंटते फेंटते जो है मलाई में जितना भी एक्स्ट्रा दूध होगा वो सारा निकल आएगा। तो अभी इसी तरीके से मैं फेंट कर दिखाती हूँ आप सभी को। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइट होता है और टाइट होने के बाद देखिए एकदम से ये सॉफ्ट हो गया है। और इस तरीके से फेंटने से जो है जितना भी एक्स्ट्रा दूध होगा सारा निकल जाएगा। ये देख सकते हैं एकदम दानेदार हो गया है। अब इसमें दूध निकलना बाकी है तो इसी तरीके से फेंटूंगी 1 मिनट करीब और ये देखिए सारा दूध निकल जाएगा। तो आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं गाइस तले में ये देखिए दूध जो है एक्स्ट्रा दूध जो मलाई में होता है वो सारा निकल जाएगा इस तरीके से फेंटने से। और इसमें देखिए फेंट लिया है पानी जो है, अब मैं इसमें डाल दूंगी और इस पानी और दूध को जो है एक साथ मिक्स करूंगी और जितना भी मक्खन है सारा ऊपर आ जाएगा। तो इसमें भर के डालूंगी, हम इसमें डालेंगे, गर्मियों के टाइम में हम ठंडा चिल्ड पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये देख सकते हैं मलाई ऊपर जो है आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा और भर के पानी डालूंगी और देखिए कहीं से भी जो है हमने इसमें हाथ नहीं लगाया है। इस दाल घोटनी या फिर रही बोल लीजिए, इससे जो है सारा मलाई हमने अच्छे से फेंट कर मक्खन बना लिया है। और ये देखिए आप सभी कितना क्लीन निकला है ये मथनी, इसमें कहीं से भी चिपका हुआ आप सभी को नज़र नहीं आ रहा होगा, एकदम क्लीन निकला है। और ये दानेदार मक्खन जो बनकर तैयार है। अब देखिए ये मक्खन वाला जो दूध है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसी से मैं पनीर बनाकर दिखाऊंगी। ये सिर्फ 8 दिन पुराना मलाई पड़ा हुआ था घर में, उसी से जो है घी बना रही हूँ मैं। चलिए ये पानी जो है मैं निकाल लूंगी, ये देखिए दूध वाला पानी है, ये जो एक्स्ट्रा दूध निकला है मक्खन से ये वही पानी है। अब इसी से मैं पनीर बनाकर दिखाऊंगी। तो पनीर सिर्फ 7 से 8 दिन पुराना मलाई जो हो उसी से बनाइएगा, ज़्यादा पुराना मलाई से पनीर ना बनाएं, उससे अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ही गंदा टेस्ट आता है। इसीलिए सिर्फ एक हफ्ता पुराना मलाई हो उसी से पनीर बनाकर दिखा रही हूँ आज मैं। तो ये देखिए 2 से 3 बार जो है इसी तरीके से मक्खन को धो लूँगी और ये जो पानी है इस पानी को फेंक देना है। जो हम दूसरे पतीले में पानी निकाल कर रखें उससे मैं पनीर बनाकर दिखाऊंगी और इस पानी को फेंक दूंगी। और इसी तरीके से जो है एक बार और धो लूँगी, उस पानी को भी फेंक देना है। और चलिए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मक्खन बनाकर, सॉरी घी बनाकर, बहुत ही दानेदार खुशबू वाला जो है घी बनकर तैयार होता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। चलिए अब इस पानी को जो है मैं फेंक दूंगी, ये देख सकते हैं पानी जो है मैंने सारा फेंक दिया है। अब चलिए इसे गैस पे रखते हैं पकने के लिए और ये इससे मैं पनीर बनाकर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं गैस फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम पे जो है, धीरे धीरे ये मलाई जो है मक्खन हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से जो है अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। ये देख सकते हैं
थोड़ा थोड़ा सा जो है बीच में इस तरीके से चला दूंगी। बहुत ही दानेदार हमारा ये घी बनकर तैयार होगा, आपको अभी हम दिखाएंगे बनाने के बाद। इसी तरीके से पकने देते हैं अच्छे से। अब इसे मैं दूसरे फ्लेम पे रख दिया है पकने के लिए। और इस तरफ जो है मैं आपको पनीर बनाकर दिखाती हूँ। देखिए वही मक्खन वाला पानी है ये, जो घी से एक्स्ट्रा पानी निकला था। बीच बीच में घी को भी चला दूंगी, देख सकते हैं काफी अच्छे से मेल्ट होने लग गया है। अब इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दूंगी। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। बीच बीच में जरूर चलाते रहें। दूसरी तरफ आपको मैं पनीर बनाकर दिखाऊंगी। तो पहले देखिए इस तरीके से जो है बीच बीच में जरूर चलाते रहें। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया घी जो है काफी अच्छे से खुशबू आने लग गई है घी में। चलिए इसे छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं पनीर बनाकर। दूसरी तरफ देखिए इस दूध में जो है काफी अच्छे से उबाल आ गई है आने के बाद। चलिए अब इसे फाड़ने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है सिरका। सिरका लेने के बाद इसमें डालूंगी पानी। पानी और सिरका जो है एक साथ मिक्स कर लिया है। ये दूध फाड़ने में काम आता है। अगर सिरका नहीं है तो नींबू उसके जगह ले ले और उतना ही पानी मिक्स कर ले। और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया बारीक काट के मैंने डाल दिया है। थोड़ा इसमें डालूंगी आधा चम्मच के जितना चिली फ्लेक्स। ये टोटल ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो स्किप कर दें। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें सिरका वाला डालते हुए इस तरीके से देखिए छेना जो है अलग होना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं गैस फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और देखिए छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया। ये सिर्फ 7 से 8 दिन पुराने मलाई से बनाइएगा, और ज़्यादा पुराना मलाई होगा तो उससे जो है पनीर अच्छा नहीं बनेगा, उसका टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। और देखिए मैंने इस तरीके से जो है मैंने एक कपड़ा लिया है पतला सा, उसके अंदर मैं इस तरीके से सारा छेना डाल दूंगी। डालने के बाद अब इसको अच्छे से जो है छान लूंगी इस तरीके से, सारे तरफ से कपड़े पकड़ के। इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ लिया है, अब पानी को इसको अच्छे से निकलने दूंगी। निकल गया है, अब चलिए एक बार और इसको अच्छे से धो लेते हैं। साफ पानी से एक बार मैंने और अच्छे से धो लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से निचोड़ लूंगी। और इस तरीके से कपड़ा पकड़ने के बाद सारे पानी जो है अच्छे से निचोड़ लूंगी। ये देख सकते हैं इस तरीके से दबाते हुए पानी निकाल दूंगा। और इस तरीके से देखिए कपड़े को इकट्ठा करके इस तरीके से दबाकर इसे किसी भारी चीज़ से इसको रख देंगे। इसको आधा एक घंटा जो है सेट होने के लिए रख देंगे। पनीर बनकर हमारा तैयार हो जाएगा, अभी आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ देखिए हमारा घी जो है काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार है। चार तरफ से जो है एक बार मिक्स कर दूंगी। ये देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया खुशबू इस टाइम घर में फैल चुकी है, बहुत अच्छी आ रही है खुशबू। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। और गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद चलिए आपको ठंडा होने के बाद आपको दिखाएंगे। और ये देखिए ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद चलिए अब एक डब्बे में भर कर रख लेते हैं। तो देखिए साफ सा मैंने डब्बा लिया है, उसके ऊपर मैं छन्नी डाल दूंगी। डालने के बाद इसी में छान कर रख लूंगी। और इस घी का खुरचन जो है उसे भी मैं बहुत ही बढ़िया मिठाई बनाती हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट जो है मिठाई बनकर इस खुरचन से तैयार होते हैं। तो देखिए फिलहाल तो हमारा घी बनकर तैयार है, इस खुरचन का मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। और देखिए हमारा घी बनकर तैयार है। आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी गाइस? अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।